वेलकम टू यूट्यूब चैनल सैफ चांडियो टीवी। जो लोग बाज़ार से ली हुई चीज़ें खाते हैं, ख़ास तौर पर नौजवान, पिज़्ज़ा और बेकरी आइटम्स, इसी तरह कोल्ड ड्रिंक के हवाले से भी इसमें वीडियो में आप देख सकेंगे कि आपको बताया जाएगा कि वो कितनी नुकसानदेह है। जो चीज़ घर में पकती है वो सबसे बेहतर होती है, लेकिन हम इसे समझते नहीं। अब आप ख़ुद सुन सकते हैं कि फरहान भाई क्या कह रहे हैं कोल्ड ड्रिंक के बारे में। टॉक्सिक बनती है हमारे जिस्म में, ऐसे जहर फैलना शुरू हो जाती है जो आपके मोटापे का सबसे ज्यादा सबब बनती है। ये इतनी हार्मफुल चीज है, लेकिन आप जानने के बावजूद भी हम पीते हैं, बच्चों को भी पिलाते हैं। चलें ये मिल्ट्री जंप। इसके अलावा चिकन के ऊपर जो क्रम्स या और चीजें जो लगी होती हैं वो टोटल आर्टिफिशियल होता है सारा। एक चीज बेक्ड होती है, एक चीज कुक होती है। बेक और कुक में बड़ा फर्क होता है। बहरहाल नान भी कोशिश करें कि ना खाया करें। ये भी मैदा है। नान अगर आपने खाने भी हैं तो घर में खुद बनाए, दूध वाले दूध मिक्स करके बनाए। कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज के हवाले से देखें। एक्सरसाइज एक चीज़ पर मुश्तमिल नहीं है। आपकी वॉक है, वॉक के बाद आपकी रनिंग है, आपकी स्विमिंग है, आपकी घुड़सवारी है, आपकी योगा है। यानी ये वो चीज़ें हैं कि जो आपकी एक्सरसाइज में काउंटलेस हैं, कि आपको फील ही नहीं होता लेकिन आपको फील भी करवाती हैं। फिर आ जाते हैं हम नॉर्मल स्ट्रेचिंग पे आ जाते हैं। हम नॉर्मल पेट की एक्सरसाइज है, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज है, आपकी एच आई टी है, रिप। अभी मैंने आपको आप जुम्बा और रिप्स की तरफ तो मैं आपको लेके नहीं आया। जुम्बा जी कौन सर काम चाहिए सर? जुम्बा जुम्बा आपका काम ही नहीं, आप नहीं कर सकते। अच्छा, ये बुजुर्ग नहीं कर सकते, ना ये कर सकते, ना ये कर सकते हैं। आप हाँप जाएंगे। अभी आपको कम से कम 2 साल की प्रैक्टिस चाहिए जुम्बा के लिए। और उसके अलावा जुम्बा में आपकी एज या अपनी एज को मैं रिकमेंड ही नहीं करता। मैं रिप 60 को भी अपनी एज में रिकमेंड नहीं करता। हमारी एज नहीं है अब। मैं कर तो लूंगा लेकिन हो सकता है मैं उसको बर्दाश्त ना कर पाऊं उस चीज को। मैं रिप 60 को भी प्रॉपर यानी कि उसका भी मैंने ट्रेनिंग ली है प्रॉपर रिप 60 की। यहाँ शेप्स में मैंने 6 महीने में ट्रेनिंग लेकर आ गया हूँ एज ए शौकिया। सैयद फरहान अली जो है ना, वहां पर मेरे हमनामी था, वो ट्रेनिंग कराता था। लेकिन वो हमारी एज की नहीं है, वो चीज नहीं। जो हम कर रहे हैं दिस इज मोर देन इनफ फॉर अस। ये बहुत है हमारे लिए। एक्सरसाइज हम कोई भी करते हैं जिसमें मिला चक ऑटोमेटिकली आ जाती है। मैं आपको यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं कराता, मैं सिर्फ झूलों पे आपको 2-4 स्टेप्स कराता हूँ, लचक उनसे भी आ जानी है। आप खाली मार्च पास करें, वॉक ना करें, मार्च पास करें। मार्च पास समझते हैं, वॉक अलग चीज है, मार्च पास अलग चीज है। मार्च पास करते हैं आपके जिसमें वैसे ही लचक आ जानी है, वैसे ही। चले सर आ जाए। फिर ऊपर करके कोशिश करें पैर को पकड़ के दूसरे हाथ को भी ले जाए। जिस तरफ आपका घुटना है उस तरफ झटका देना है, ताकत लगाते। इनहेल एक्सहेल करें। उठाएं टांग को, ऊपर उठाते हैं, आपके चेहरे से ऊपर जानी चाहिए टांग। चलें जी, सब भाई मुझे गौर से देखेंगे कि मैं कैसे नीचे बैठ रहा हूं।
चले जी आप सब बैठे। आप देख रहे हैं सैफ चांडियो टीवी। सैफ चांडियो टीवी चैनल पर आप सिर्फ एक्सरसाइज के हवाले से वीडियोस नहीं देखते, बल्कि उसमें और भी बहुत सी बातें देखने को और सुनने को मिलती हैं। जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा कि खुराक के हवाले से एक्सरसाइज भी हो रही है, साथ साथ बताया जा रहा है कि कौन सी चीज़ कितनी नुकसानदेह है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद हम फैट को जितना बर्न करते हैं एक घंटे में, अगर हम एक बोतल पी लें तो वो एक घंटे में जो हमने फैट को बर्न किया, कम किया, वो बेकार गई। इसलिए एक्सरसाइज के दौरान, एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद जो जो मुफीद बातें की जाती हैं वो भी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरी कोशिश यही है कि आपको उसका फ़ायदा हो, आप ग़िज़ा में भी अपनी तब्दीली ले आएँ, लाइफस्टाइल को चेंज करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। सेहत का होना बहुत ज़रूरी है। मेरी दुआ है कि हर पाकिस्तानी सेहतमंद हो, हर इंसान सेहतमंद हो। ये सोच मेरी एक दो दिन पहले ही मेरे माइंड में आई है, फिर मैंने कहा जब भाई थोड़ी सी स्ट्रेंथ 8-10 की हो जाएगी तो मैं सबसे पूछूंगा। देखें, मैं ये नहीं चाहता कि मैं वन मैन शो हूँ, हम सब ने कभी मिल के चलना है। सबसे पहली चीज़ मैंने सुबह अमीर साहब से भी ये बात की है, क्या आप जो एक्सरसाइज हम डेली बेसिस पे करते हैं इससे मुतमईन है? सोशल मीडिया का दौर है, अगर आपको कोई और चीज़ नेट पे नज़र आती है और आप समझते हैं कि इस चीज़ को ऐड करना चाहिए, अगर आप मुझे मशवरा देंगे मुझे अच्छा लगेगा। मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, तकरीबन चेंज ही होता है और एडिशन भी करते हैं हम, लेकिन काफ़ी एक्सरसाइज हो कि हम एडिशन भी करते हैं। जो मेरे नॉलेज में है, जितना मेरा दिमाग काम करता है उस दिमाग में मैं एक्सरसाइज को ऐड भी करता हूँ, वो शायद आपको कभी फील नहीं होता। ये होता है, तब्दीली भी होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ आता हो मुझे बताएंगे, मैं उसको भी ऐड कर लूँगा बीच में, ठीक है, जिससे हमें कुछ अच्छा फ़ायदा हो, जो हमें एटलीस्ट जिससे फील हो कि यार हाँ भी कमर की भाई साइड्स के लिए हम एक्सरसाइज तो हमारी छूट रही है, ये हमारी ये चेस्ट के लिए। मेरी आपको अब ये भी बता दूँ कि अब तक जितनी भी हम एक्सरसाइजें करते रह गए हैं, पैरों से लेके हमारे गर्दन के इस हिस्से तक हम एक्सरसाइज अब तक कर चुके हैं, यानी पैरों की उंगलियों से लेके हाथों की ये टोस से लेके कानों से नीचे तक, इवन के कानों तक हम अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इवन के ब्रेन की एक्सरसाइज भी हम कर रहे हैं। मेरी कोशिश होती है, जो मेरी सबसे फर्स्ट मेरी कोशिश है कि आपके ये जो बेली का नीचे वाला फैट है, ऐसा है ना नीचे वाला, ये बड़ा मुश्किल से उड़ता है, इसको उड़ाने की जो सबसे ज्यादा मेरी मेन कोशिश है ये इस हिस्से को सेट करने की है। फर्स्ट टारगेट मेरा ये है, सेकंड टारगेट आपकी ये साइड है, और थर्ड टारगेट जो है ये छाती का जो ये मास है, ये वाला, इस मास को घटाना है ताकि आप शर्ट पहने तो खूबसूरत नजर आए। फोर्थ टारगेट जो है वो हमारी लेग्स है, कि टांगे भी कुछ नजर आए या आपकी टांगों में इतनी ताकत हो कि आप दौड़ लगाएं, बैठ के लगाएं, आप इजीली कोई भी सख्त काम है इजीली कर सकें। तो इनमें अगर आपको लगता है, और खासकर पिंडली को बहुत सारे ट्रेनर्स जो हैं वो पिंडली को तरफ जाते ही नहीं है, जबकि हम हफ्ते में 3 बार पिंडली की भी एक्सरसाइज लाजमी करते हैं। उसकी रीजन ये है, थोड़ी करते हैं लेकिन करते हैं, उसकी रीजन ये है जब हमारे काफ मसल्स और टांगों में अगर इनमें जान होगी तो हम अपनी ऊपर की बॉडी को सपोर्ट कर सकेंगे। याद रखिएगा, इन जो टांग की एक्सरसाइज है इसको जितनी आप खुश दिली से करेंगे, अच्छे से करेंगे, यहाँ ताकत होगी तो ऊपर वाले हिस्से में ऑटोमेटिकली ताकत आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली। ये मैं नहीं, मेरे उस्ताद आफ्ताब साहब होते थे 1998 में, उस वक्त ये बात हमें समझाते थे। अच्छा, हम कहते थे कि यार ये आई बीमार है, टांगों से क्या होता है, डोले शोले बनाते हैं, लेकिन अब आके बाद में हमें फील हुआ
कि यार टांगे मजबूत होंगी तो आपकी अपर बॉडी मजबूत होगी, अगर टांगे मजबूत नहीं है आप जितनी मर्जी अपर की एक्सरसाइज कर लें आपने एनर्जी नहीं आनी, ताकत नहीं आती। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट देना ना भूलें। मेरा चैनल सेफ चांडियो टीवी सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी कहें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।